दोस्तों नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आपको हर फील्ड में चाहिए। जी हाँ गाइस, नॉलेज के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप मजदूरी भी नहीं कर सकते नॉलेज के बिना। अब अगर आप मान लीजिए आप मजदूरी में जाते हैं, अगर आपको यहाँ पर पत्थर उठाना नहीं आता है, पत्थर उठाने का आपको नॉलेज नहीं है, पत्थर ले जाने का अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पर भी आपको काम नहीं मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर ही आपको बिना नॉलेज के काम नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आप भी आना चाहते हो इस टाइम पर यूट्यूब पर आने का सोच रहे हो, यूट्यूब से पैसे कमाने का सोच रहे हो, तो ये 5 बातें आपको ध्यान में रख के यूट्यूब पर आना है। अगर इन 5 बातों को आपको ध्यान में नहीं रखा तो आप यूट्यूब पर मत आना, क्योंकि आप यूट्यूब पर ग्रो नहीं हो पाओगे। आपका जो यूट्यूब पर पैसे कमाने का सपना है ना, वो भी आप चूर चूर कर दोगे, वो आपका सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पर आने से पहले इन 5 बातों का ध्यान रख लेना। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं कौन हूँ आपको बताने वाला, यही सोच रहे हो ना कि मैं कौन हूँ, तो मैं यूट्यूब पर 3 साल से काम करूँ, 3 साल से यूट्यूब पर काम करूँ, तो इतना तो एक्सपीरियंस हो गया होगा कि न्यू यूट्यूबर को यूट्यूब पर आने से पहले इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको मैं स्टेप बाई स्टेप 5 बातें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारी बात आती है जिनको आपको ध्यान में रखना है, वो है टॉपिक। जी हाँ गाइस, टॉपिक आप क्या बनाने वाले हैं। अगर आप ये मान लीजिए यूट्यूब पर व्लॉगिंग करने आते हैं, आपको ये दिमाग में आ रहा है मैं व्लॉगिंग करूंगा, ठीक है, व्लॉगिंग में आपने 3-4 दिन काम किया, अब आपको लगा कि यार टेक वाली वीडियो अच्छी है, मैं टेक वाली वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप टेक वाली बनाने शुरू हो गए, व्लॉगिंग छोड़ दिया, टेक वाली बनाने शुरू हो गए, यार मिनी व्लॉग काफ़ी चल रहा है, मैं मिनी व्लॉग बनाऊंगा, ये अपने मिनी व्लॉग शुरू कर दिया। अब फिर आपको लगा कि यार एजुकेशन वाली वीडियो मैं बना सकता हूँ, एजुकेशन वाली वीडियो काफ़ी चल रही है, तो आप उसमें चले गए, तो आप यूट्यूब पर कभी भी ग्रो नहीं हो पाओगे। आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना है कि हाँ मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, मैं इसी कंटेंट को यहाँ पर पकड़ के रखूंगा, इसी कंटेंट पर मैं वीडियोस बनाऊंगा। जैसे कि मैं टेक पर वीडियो बना रहा हूँ, 500-600 वीडियो अपलोड कर दिए, लेकिन कहीं भी मैं रास्ता नहीं भटका, क्योंकि मुझे पता है मेरी मंजिल क्या है, मुझे कहाँ पहुँचना है, तो बिल्कुल भी आपको भटकना नहीं। सबसे पहली बात, कॉन्टेंट को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी को आपको मेंटेन करके ही यूट्यूब पर आना है। ऐसा नहीं कि आप आज चैनल शुरू किया, कल आपने वीडियो अपलोड कर दिया, परसों किया नहीं, फिर आपने दूसरे दिन वीडियो अपलोड किया, 5 दिन गैप कर दिया, फिर आपने फिर वीडियो अपलोड किया, तो आप यूट्यूब पर कोशिश करते रह जाना, सालों साल मेहनत करते रह जाना, यूट्यूब पर ग्रो नहीं हो पाओगे। यूट्यूब पर ग्रो होने के लिए आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको रेगुलरिटी बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझ रहे हो ना। तो वो अगर आपके दिमाग में आ गया है, वो अगर आपको अगर आप ये समझ रहे हैं कि रेगुलरिटी क्या है, तो आपको ये मेंटेन करके ही यूट्यूब पर आना है, वरना यूट्यूब से पैसे कमाने का सपना छोड़ दीजिए। उसके बाद तीसरा, आपको कॉम्पिटिटर का ध्यान रखना है। कॉम्पिटिटर आपका कॉम्पिटिटर कौन है, आप किससे कंपटीशन कर रहे हैं, अपनी कैटेगरी में आपका बड़ा यूट्यूबर कौन है, उसके आपको कंपटीशन करना है। ऐसे नहीं कि आपको बीच वालों का, नहीं, आपकी कैटेगरी में जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है उसको आपको कॉम्पिटिट करना है, ठीक है, उसको आपको कंपटीशन में हराना है। क्यों ऐसे हरा सकते हो, अपने कॉन्टेंट से, सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होता, सब्सक्राइबर से कुछ भी नहीं होता। आप ये सोच रहे हो उसके 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, मेरे तो अभी 0 सब्सक्राइबर है, तो मैं उसको मैं कॉम्पिटिशन में कैसे हरा सकता हूँ, तो आपको कॉन्टेंट से रहना, अपने अच्छे कॉन्टेंट से उसको हरा सकते हो आप, ठीक है, व्यूज से भी नहीं हरा सकते, आप अपने अच्छे कॉन्टेंट, अच्छी क्वालिटी उससे यहाँ पर आ सकते हो। तो अपने कॉम्पिटिटर का ध्यान रखना है और अपने बड़े यूट्यूबर का आपको ध्यान रखना है, ये हो गई तीसरी बात। फोर्थ नंबर की जो चीज़ है दोस्तों, वो है टारगेट। आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है यूट्यूब पर आने का, वो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी नहीं भटकना है, ठीक है। अगर आपका लक्ष्य है कि मैं इस महीने में 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करूंगा, 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करूंगा, तो आपको ये नहीं सोचना कि यार 300 होंगे तो भी चलेंगे, हैं 300 नहीं होना चाहिए, हमारा 500 ही होना चाहिए, उसके लिए कड़ी मेहनत चाहिए, रात दिन एक कर देना है, और अपने टारगेट को बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। और उसके बाद जो 5वीं इंपॉर्टेंट बात है, वो है डीमोटिवेशन। काफ़ी लोग यूट्यूब पर तो आते हैं, लेकिन 1-2 महीना काम करके यूट्यूब को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। डीमोटिवेट होने से क्या होगा, यूट्यूब का कुछ फर्क पड़ेगा, 1 दिन में 10,000 लोग यूट्यूब पर आते हैं, करोड़ों लोग यूट्यूब पर आते हैं, उस करोड़ों लोगों में से अगर 10,000 लोग चले जाएँ तो यूट्यूब का क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यूट्यूब को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 साल बाद में अगर आप ये सोचोगे अब तक मैं यूट्यूब पर काम करता तो आज मैं कहाँ का कहाँ होता, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, रेगुलर काम करते रहना, आपकी किस्मत कब चमक जाएगी आपको खुद को पता नहीं चलेगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। अगर कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर दीजिएगा, कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।